बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री चंद्रदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम आपको श्री शरद पूर्णिमा की कथाएं सुनाने जा रहे हैं, जिसकी पहली कथा है श्री शरद पूर्णिमा व्रत प्राचीन कथा, जो मावे के लड्डू वाली कथा है। श्रद्धा और भाव के साथ सुनेंगे तो निश्चित आपका कल्याण होगा, ऐसा गुरुजी महाराज का आदेश है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। बहुत पुराने समय की बात है कि श्री नारद जी नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक पहुंचे और श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे स्मरण किया? नारद मुनि बोले, नारायण नारायण, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते ही हैं प्रभु। प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। नारद मुनि बोले, नारायण नारायण, हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूं, वहां मानव की व्यथा देखी नहीं गई। भगवान विष्णु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हो? यह सब कर्मों का फल है। नारद मुनि बोले, नारायण नारायण, हे प्रभु, वहां पर मानव बहुत दुखी हैं, आपको उनके कष्ट दूर करने ही होंगे। भगवान विष्णु बोले, हे नारद मुनि, सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाने वाली कथा, जिसे कोजागर व्रत भी कहते हैं, इसको विधि विधान पूर्वक करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। भक्तों, आपसे भी निवेदन है कि जब भगवान विष्णु स्वयं आपको इतनी बढ़िया कथा सुना रहे हैं, आनंद देने वाली तथा निश्चित फल देने वाली कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, तो आप भी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनिएगा और इसका फल प्राप्त कीजिएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान सुनाते हैं, मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक पंडिताइन रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसका विधि विधान सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत रखती हूं, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पट्टे पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें, रोली से एक स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए, इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दीजिए, गिलास पर दक्षिणा चढ़ाएं, इसके बाद स्वयं तिलक लगाएं, उसके बाद ढाई पाव शक्कर ढाई पाव खोया दोनों मिलाकर छह पेड़े बनाएं, उसके बाद पूजा कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ाएं, दूसरा पेड़ा स्वयं पतिदेव ग्रहण करें, तीसरा पेड़ा अपने मान को दें, जैसे भांजे भांजी ननद बहन आदि को दिया जाएगा, चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें, यदि सहेली न बदले तो मंदिर में चढ़ाएं, जो सहेली छह माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दें, पांचवां पेड़ा घर के सदस्यों में बांटें,
छठे पेड़े के 6 भाग बनाइए। एक तुलसी जी को चढ़ाएं, दूसरा गौ माता को खिलाएं, तीसरा अहीर को दें, चौथा गर्भवती स्त्री को दें, पांचवा राहगीर बालक को दें और छठा पेड़ा कुआरी कन्या को खिलाएं। इस प्रकार 6 पेड़े वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ाएं। सुभद्रा से सुनकर घर जाकर साहूकार ने अपनी पत्नी को शरद पूर्णिमा व्रत रखने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी, साहूकार ने व्रत की विधि समझाई, उसकी पत्नी ने व्रत करना शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहां 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी रखा गया। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थी एवं प्रतिदिन पूजन करती थी। दोनों का विवाह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। उसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत रखती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी जी से इसका कारण पूछती है। तब ज्योतिषी जी ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। कन्या, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूर्वक व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान एवं श्रद्धा से पूजा करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी ने फिर अधूरा व्रत किया और उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को उस पट्टे पर लिटा दिया जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से, प्रभु इच्छा से, उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन उसके घर आ गई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह बालक जीवित हो उठा। चंद्रमुखी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से नाचने लगी। तब उसे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी प्रभु, कभी नहीं होगी। साथ ही सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामना पूरी हो जाती है। बोलिए जय हो श्री लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव भगवान की जय। हे प्रभु, जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई वैसे सबकी इच्छा पूर्ण करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए चंद्रदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आइए आपको श्री शरद पूर्णिमा की व्रत की दूसरी कथा सुनाते हैं। ये कथा है खीर वाली। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए पृथ्वी पर मनुष्यों को नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुए और विचार करने लगे कि इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर तरफ से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी तो उन्होंने भगवान नारायण हरि का ध्यान करते हुए मुंह से नारायण नारायण का घोष करते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वे क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरि
शेष शैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे हैं तथा लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। यह देखकर नारद जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। नारद की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान ने अपने नेत्र खोले तो नारद बोले, नारायण नारायण नारायण, हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा व पालन करते हैं। आपकी कृपा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति एवं प्रलय के मूल कारण हैं। नारायण नारायण, आप तो सभी प्रकार से समर्थ हैं। नारायण नारायण। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, पधारिये देव ऋषि, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए, कहिए सब कुशल तो है? पृथ्वी पर आपका चक्कर लगता ही रहता है, कुछ वहां के भी हाल सुनाइए कि वहां पर लोग किस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं। इतना सुन नारद जी बोले, नारायण नारायण, हे स्वामी, मृत्यु लोक में मानव बहुत दुख भोग रहा है। उनके कष्टों को देखकर मैं तो क्या, मेरी आत्मा भी रो रही है। हे प्रभु, ऐसा कोई सरल उपाय बतलाइए जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट सके और उसकी मनोकामना पूर्ण हो सके। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, आप धन्य हैं जो दूसरों के उपाय के लिए भी मन में विचार रखते हैं। इसलिए आज आपको श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाता हूं। इसके करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी व अंत में मेरे लोक की प्राप्ति होगी, इसमें कुछ संदेह नहीं है। पहले यह कथा ब्रह्मा जी से सूर्य ने कही थी, सो ध्यान से सुनो और सुख वैभव संतति सुख की प्राप्ति करो। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रद्धा के साथ सुनिए और सुख वैभव संतति और सुख की प्राप्ति कीजिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। क्या सुनाते हैं विष्णु भगवान, सुनिए। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की पत्नी शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। वह उस दिन 5 सेर दूध की खीर बनाती, उसमें किशमिश बादाम इत्यादि डालकर खूब स्वादिष्ट खीर बनाकर मेरा भोग लगाती थी। पड़ोसी रिश्तेदार सब में खीर का प्रसाद बांटती थी। रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में भगवान को घी खांड का भोग लगाती तथा मेरी मूर्ति का बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती थी। उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती, कीर्तन करती, भजन करती, ठाकुर जी के तरह तरह के लाड़ लड़ाती। उसके व्रत के प्रभाव से उसके खीर व घी खांड के पात्र सोने के हो जाते। जब वह बात साहूकारनी को मालूम हुई तो उसे बहुत दुख व जलन हुई कि देखो, इसके तो बर्तन सोने के हो जाते हैं,
वह रात में साहूकार से बोली, ब्राह्मणी के यहां जो सोने के बर्तन हैं उन्हें चुरा लेना चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवा कर सोने के बर्तन चुरा लिए। ब्राह्मणी को सुबह मालूम हुआ कि साहूकारनी ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए हैं, तो उसने कहा, हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत मन व नियम से किया हो तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं तथा साहूकारनी के सब बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसके कहने के साथ ही ऐसा ही हुआ। साहूकारनी के घर के पीतल तांबे के सब बर्तन मिट्टी के हो गए। अब तो साहूकार एवं साहूकारनी बहुत दुखी हुए और रोते धोते ब्राह्मण की शरण में पहुंचे और ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और अपने किए की क्षमा मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा, हे माता, आप कौन सा व्रत करती हैं जिसके प्रभाव से आपके बर्तन सोने के हो जाते हैं? तब ब्राह्मणी बोली, शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूं, यह सब उन्हीं का प्रभाव है। साहूकारनी बोली, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या नियम है, इसका स्पष्ट उल्लेख करें। तब ब्राह्मणी बोली, सब तरह से घर की वे अपनी सफाई करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगाएं, 5 शेर दूध की खीर बनाएं, उससे ठाकुर जी का भोग लगाकर 4 हिस्सों में बांट दें, 1 हिस्सा ब्राह्मण को दें, 1 हिस्सा पड़ोसी के बालक को दें, 1 हिस्सा गाय को दें तथा 1 हिस्सा स्वयं सेवन करें। लकड़ी के पट्टे पर 1 लोटा जल भरकर रख लें, 1 दीपक जला लें, रोली से पट्टे पर स्वास्तिक बना दें, फिर चावल व रोली से पूजा करें, दक्षिणा चढ़ाएं व चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ देकर चढ़ा दें, फिर रोली चावल चंद्रमा की ओर उछाल दें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें और मन ही मन अपनी मनोकामनाओं को दोहराएं, फिर अपने हिस्से की खीर का भोजन करें। इस विधान को सुनकर साहूकारनी बहुत प्रसन्न हुई। उसने तभी से इस व्रत को करना आरंभ कर दिया। इस व्रत के करते रहने से उसे 2 कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुए। उसने बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता रखा। दोनों लड़कियां बचपन से ही धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान रखती थीं। दोनों के व्रत में 1 अंतर था। सुमित्रा विधि विधान पूर्वक व्रत करती थी, सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत तो करती थी लेकिन व्रत को बीच में छोड़कर व्रत का समापन कर देती थी। सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी उसके सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न होती थी, परंतु सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म होने के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते थे, पश्चात वे मर जाते थे। इस कारण सुनीता दुखी हो जाती थी। 1 दिन सुनीता ने ज्योतिषी जी से बुलाकर पूछा, हे महाराज, मेरी संतानें जन्म लेने के कुछ समय पश्चात ही मृत्यु का ग्रास क्यों बन जाती हैं? अतः आप उपाय बताकर हमारे दुखों को दूर करें। इस पर ज्योतिषी जी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा होने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त होती हैं। अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुलाकर लाओ, उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से तथा भक्ति भाव के साथ करती है।
इतना कहकर ज्योतिषी जी वहां से चले गए और सुनीता वियोग के कारण यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र हुआ था वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देखकर उसने मृत पुत्र को उस पट्टे पर सुला दिया जिस पर वह शरद पूर्णिमा का पूजन करती थी। लेकिन ईश्वर की गतिविधि को कौन जानता है कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे ही स्पर्श हुआ, पुत्र जीवित हो गया। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम बिना देखे इस पट्टे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मृत हो जाता, मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुमित्रा ने कहा, यह तो पहले ही मर गया था बहन, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो उठा है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगी। वे अपने सगे संबंधियों व पास पड़ोस के लोगों को यह व्रत करने की विधि बताने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी व लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण की जय, जय हो चंद्रदेव जी की जय, जय हो शरद पूर्णिमा माता की जय। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे दीनों के दयाल, जैसे आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की, वैसे ही हम सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। हे भगवान, जितने भी लोग इस कथा को सुन रहे हैं, कृपा करके उनकी सबकी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें। बोले विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहां पर शरद पूर्णिमा व्रत कथा समाप्त होती है। इति श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए चंद्रदेव भगवान की जय। बोलिए जय माता शरद पूर्णिमा की जय।